लक्ष्य इस मंत्र में है। हे सब दुर्तों के दूर करने वाले प्रभु, मुझे कल्याण करने वाले पदार्थ दो, वस्तु दो, द्रवण दो, विचार दो। जो दुनिया में कुछ भी इंसान के भोग में आता है वो मेरा कल्याण करने वाला ही हो। वस्त्र से भी कल्याण संभव है, भोजन से भी कल्याण जुड़ा हुआ है, मित्र से भी, घर से भी, संगति से भी कल्याण जुड़ा हुआ है, धन से, वैभव से भी कल्याण जुड़ा हुआ है। बशर्त यह है कि व्यक्ति को विवेक होना चाहिए, व्यक्ति की जो बुद्धि है वो सत्संगी होनी चाहिए। तो उसके लिए धनवान होना, माया के रूप में लिप्त हो जाना, वो सब उसे कल्याण के पथ पर ही ले जाएगा। क्योंकि विवेकवान व्यक्ति जो है वो धन का, मन का, तन का सही उपयोग करता है, जिससे उसे कल्याण का पथ प्रदर्शित होता है। जिनका मन मलिन है, बुद्धि मलिन है, विचार मलिन होंगे, वाणी मलिन है, तन मलिन है, उनके पास चाहे शेरों शेरों सोना चांदी पड़ा हो, पर वो किसी पथ पर नहीं जा सकते, किसी ऐसे पथ पर नहीं जा सकते जो पथ उनके लिए अग्रसर करने वाला हो और उजाले में ले जाने वाला हो। वो अंधकार में तो जाएंगे पर प्रकाश में नहीं जाएंगे, वो तमस में तो रहेंगे पर ज्योति में नहीं रहेंगे। पर वेद मंत्र कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो प्रभु। हे परमात्मा, हे सद्गुरुदेव, हे वेद शास्त्र भागवत, हमें अंधकार, अज्ञान, अविद्या से ज्ञान विद्या की ओर ले चलो। इसीलिए विश्वानि देव दुरितानि, सारे दुर्गुणों को दूर कर दो, और यद भद्रम, सारे कल्याण करने वाले पदार्थ वस्तु मुझे प्राप्त करा दो। देखिए ये स्वार्थ नहीं है, भगवान से कुछ और मांगेंगे वो स्वार्थ है, पर इस मंत्र में जो मांग रहे हैं वो स्वार्थ नहीं है। वह है परमात्मा ने स्वयं अपनी वाणी से वेद मंत्रों को प्रकट किया है, यानी कि प्रभु ही हमें समझा रहे हैं कि अगर कुछ मांगना है तो कल्याण करने के लिए वस्तु पदार्थ मांग ले, भोगने के लिए मत मांग, वो तो भाग्य अनुसार सबको प्राप्त होते रहेंगे, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा। करोड़ों लोग ऐसे हैं धरती पर जिनके पास में भोग सामग्री अत्य अधिक है, जो उसे वो भोग नहीं सकते, खराब हो रही है, नष्ट हो रही। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास में कई घर हैं, कई घर हैं और ताले पड़े हुए घरों में, बंबई में है, पुणे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, जितनी भी बड़ी सिटियां हैं सब जगह घर खरीद रखे हैं और सब जगह ताले पड़े हैं, रह एक ही घर में रहे। तो भगवान, इस तरह का जब दुरुपयोग होता है धन का, लक्ष्मी का, तो भगवान जो है रूठ जाते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहती है। इसीलिए उपभोग होना चाहिए वस्तु का, वस्तु माने घर मकान का, ताला डाल करके, नाम पर प्रॉपर्टी करके, उसे कैद खाने में रख के, वो दुरुपयोग है संपत्ति का। ऐसे ही मन का दुरुपयोग हो रहा है, मन का सदुपयोग होना चाहिए। तन का दुरुपयोग हो रहा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग और दुरुपयोग क्या है? दुरुपयोग तो यही है जो आप कर रहे होते हैं, सदुपयोग यह है जो आज अब कर रहे हैं आप। इस समय आप यहां जो बैठे हैं, अनेक प्रपंच को छोड़कर, अनेक काम को छोड़कर जो कथा में आए हैं वृंदावन, ये शरीर का, मन का, धन का, समय का सदुपयोग है। ये चारों सदुपयोग आपको सदगति की ओर ले जाएंगे, सदसत्संग की ओर ले जाएंगे, समागम सरलता की ओर ले जाएंगे, और इससे आपको प्रभु की नजदीकी का एहसास होगा। आप किसी को परेशान करने के लिए तैयार हो जाओ, आपको प्रभु से दूरी प्राप्त होगी। आप भगवान से दूर हैं, वो आपके निकट नहीं है, वो आपको तनक चाहते भी नहीं है। इसीलिए हमारी बुद्धि पाप कर्म करती है,
क्योंकि भगवान चाहते हैं कि यह पाप करे, किसी को दुख दे, परेशान करे, तकलीफ में दे और इसकी बुद्धि पाप से भर जाए और इसका हंडा फूटे। क्योंकि आप जानते हैं कंस का पाप जब कम पड़ रहा था भगवान के आने में, तो स्वयं नारद जी को भेज कर कहा कि ये गलत काम कर रहे हो तुम, छोड़कर बच्चे को, आकाशवाणी को झूठा समझते हो। स्वयं नारद ने कंस को भ्रम में डाल दिया, पाप में रत करवा दिया, जिससे प्रभु का आगमन हो और पापियों का खात्मा हो, दुष्ट आत्माओं का खात्मा हो, बुराई के रूप में विचारों के रूप में बुराई का समावेश जो व्यक्ति में है वो नष्ट हो। बिना सायच दुष्कृताम संभवामी, युगे युगे भगवान गीता का संवाद अर्जुन को कर रहे हैं, तो वो यही शिक्षा देते हैं। मेरा आगमन या भगवत आगमन तब ही होता है जब ऐसी दुनिया बढ़ जाती है और सज्जन सरल साधु संत महात्मा जैसे लोग जब कष्ट में पड़ते हैं और अत्याचार बढ़ता है तो प्रभु का हथौड़ा पड़ता है, बिना आवाज वाला जो आवाज नहीं करता और सब छिड़क के रख देता है, कहीं का नहीं छोड़ता, छाती पर हाथ भी रखने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसे झटका लगेगा छाती को, कहां पड़े रह जाएंगे, कहां कहां चलते चलते बाइक पर, चलते चलते खेत पर, खलियान पर, दुकान पर, ऑफिस में, कहां अंत हो जाएगा जीवन का कोई नहीं जानता। तो अपनी प्रवृत्ति को क्यों बुराई में पड़ना, जितना हो सके किसी को मरहम लगाओ, किसी को काटो मत, तकलीफ मत दो। पर कंस को हंसी आती थी जब किसी को कष्ट पहुंचता था, रावण हंसता था जब किसी को कष्ट होता था, तो रावण को हंसी आती थी। तो ऐसे जमाने में लोग थे, हैं और रहेंगे। दूसरों को कष्ट देकर, दूसरों को दुख देकर खुश होना ये परंपरा में है पहले से ही, वो लोग हमेशा रहते हैं, रहेंगे। पर ये भागवत कथाएं जो चल रही हैं इसीलिए चल रही हैं कि ऐसे लोग कम होने चाहिए। अगर ऐसी बुराई हम लोगों में भी है तो ये कथा सुने, प्रवचन सुने, सत्संग सुने और उन बुराइयों से मुक्त होकर ये निश्चय करें कि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हम किसी को कष्ट क्यों दें, और हम कष्ट की जगह क्यों न सुख बांटें, क्यों न आनंद बांटें।